स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर में। आज की वीडियो में हम आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह है, जिसके अंतर्गत सेक्शन ए, बी, सी और डी है। सेक्शन ए के अंतर्गत जीके, बी के अंतर्गत जनरल साइंस, सी के अंतर्गत मैथ्स और डी के अंतर्गत हम रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें पूरे 50 प्रश्न हैं जो इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा बहुत डीपली सॉल्व कराया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए है फ्रेंड्स, जो कि जनरल नॉलेज का है। द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल इज, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग कितना होगा फ्रेंड्स? 1000 से 2500 किलोमीटर, 11000 से 12000 किलोमीटर, 3000 से 4500 किलोमीटर या 5000 से 7000 किलोमीटर? तो फ्रेंड्स, जो अग्नि 6 मिसाइल है उसका जो रेंज है वह 11000 से 12000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन महलवरी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या उत्तर पश्चिम प्रांत? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ महलवाड़ी जो सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रांतों में लागू हुआ था, जहाँ पर गाँव को महल नाम दिया था, इसलिए इस प्रणाली को महलवाड़ी प्रणाली कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या ऑप्शन होगा? और ये जो जितने भी हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई थी? 1954 में, 1853, 1794, 1894? तो फ्रेंड्स, जो हमारी पहली ट्रेन भारत में शुरू हुई थी वो 1853 में शुरू हुई थी, जो कहाँ से? बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी, जिसमें 400 यात्रियों ने यात्रा की थी और ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था? मदुरई के पांडे थे, चेरा, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कल्याणी के चालुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बेस्ट हिंदी फिल्म कैटेगरी विच फिल्म वॉन द 66th नेशनल अवार्ड इन 2020? 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र यानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, किसको मिला होगा? पैडमैन, पद्मावत, आंधाधुन या उरी? तो फ्रेंड्स, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आंधाधुन, जिसमें आयुष्मान खुराना एक्टर थे। अमरकंटक प्लाटू इन द मेकाल हिल्स मार्क द ओरिजिन ऑफ द रिवर, मेकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम स्थान को माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जामों में पूछा ही जाता है। नर्मदा, घाघर, गंडक या चंबल? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थान है अमरकंटक पठार। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रतो कप आर एसोसिएटेड विथ, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से या हॉकी से? तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी है, तीनों डेल्टा बनाती है और जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी बनाती है। तो आंसर क्या होगा? सी। और ये एस्चुरी इसलिए बनाती है क्योंकि भ्रंश घाटियों से बहती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती। और ये एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा सकता है, कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो उसका आंसर भी आपको नर्मदा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1994, 1996 या 1990? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? एशिया में है फ्रेंड्स, यूरोप, अफ्रीका या साउथ अमेरिका? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अटाकामा जो डेजर्ट है वो दक्षिण अमेरिका में लोकेटेड है। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ? चिली में, उत्तरी चिली में स्थित है। अश्विनी पोनप्पा इज एसोसिएटेड विद विच गेम, चूज द करेक्ट आंसर। अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से फ्रेंड्स? फुटबॉल से है, हॉकी, बैडमिंटन या चेस या शतरंज से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा?
बैडमिंटन। द कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? लाला लाजपत राय ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या महात्मा गांधी ने दिया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहते हैं फ्रेंड? नॉर्वे, बेल्जियम, चीन या जापान? तो फ्रेंड्स नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर सूरज को आप मध्य रात्रि में भी देख सकते हैं, इसीलिए इसे मध्य रात्रि के सूरज के देश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर वॉज बिल्ड बाय, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका क्या आंसर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। त्रिहुट्टा द स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट विच लैंग्वेज, त्रिहुट्टा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए किया जाता है? मणिपुरी, मैथिली, सिंधी या कोंकणी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? मैथिली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, सेक्शन बी जो कि किसका है? साइंस का। ठीक है जनरल साइंस का सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन 16 देखते हैं हम। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हेज, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है कौन सी? यहाँ पर एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, नन ऑफ दिस या फिर बोथ या दोनों? तो फ्रेंड्स जब भी हम आप गतिमान वस्तु की बात की जाए, जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली, गोली चल रही है गतिमान स्थिति में, तो हमेशा उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी, ना कि स्थिति ऊर्जा। जब भी वस्तु हमारी स्टेबल है, गति में नहीं है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिज ऊर्जा। वल्केनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? जॉन बर्ड डनलप ने, रॉबर्ट विलियन हुमसन ने, किक पैट्रिक मैकलमिनन ने या चार्ल्स गुड ईयर ने? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स गुड ईयर ने। द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का वनस्पतिक नाम क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रीट्रिकम, कैमेलिया सिनेसिस, रूबिसिया, मंगीफेरा इंडिका? तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा कैमेलिया सिनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? हृदय दुर्बलता के लिए, गुर्दे की निर्बलता के लिए, नन ऑफ दिस या फिर ब्रेन डिजीज के लिए? तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दें, आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस होती है वो किडनी के फेलियर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाय, अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया था फ्रेंड्स? एल ई वाटरमैन, न्यूटन, हेनरिक हर्ट्ज या आर्किमिडीज? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? आर्किमिडीज। अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ध्वनि की सबसे तेज गति होती है वो सघन जो मीडियम होता है, ठोस जो मीडियम होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और जो विरल माध्यम होता है उसमें कम होती जाती है। सघन से विरल की ओर ध्वनि की जो गति होती है वो क्या होती जाती? कम होती जाती। तो यहाँ पर सघन माध्यम सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्टील। उसके बाद क्या आएगी? वाटर आएगा, उसके बाद हवा और फिर वैक्यूम। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स किस में होगी? स्टील में। तो आंसर क्या होगा? स्टील। और अगर सबसे कम पूछे तो वैक्यूम में। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर रूप, ये तो फ्रेंड्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा हीरा। डक्टाइलोग्राफी, डक्टाइलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन है डक्टाइलोग्राफी? फॉरेंसिक का है, कार्बन डेटिंग का है, लिखावट का है, फिंगरप्रिंट्स का है? तो फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट्स आपको ध्यान में रखना, इसका आंसर फिंगरप्रिंट होगा। लेंस इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है लेंस? ऑर्डनरी ग्लास से, पिरेक्स ग्लास से, फ्लिंट ग्लास से या कोबाल्ट ग्लास से? तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको बता दें, ये फ्लिंट ग्लास से बनते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, सॉल्टी वाटर, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है फ्रेंड्स? गैल्वेनोमीटर, सेलिनोमीटर, पोथोमीटर या पीएच मीटर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा? सेलिनोमीटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि किसकी वृद्धि से होता है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? वैसे तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑप्शन रहेगा। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव कॉल्ड, पत्तियों में मौजूद हरे रंग का जो वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैरोटीन,
जंथोफिल, फियाकोबिलिन या क्लोरोफिल। तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी ने पढ़ रखी है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण जो किसको किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, एसी इंटू डीसी, डीसी इंटू एसी या एसी इंटू एसी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो इन्वर्टर होता है वो जो करंट अपने अंदर स्टोर करके रखता है वो किस फॉर्म में होता है, डीसी में, और वो किसे कन्वर्ट करता है जब रिक्वायरमेंट होती है तो एसी में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, सी। तो डीसी जितने भी करंट्स होते हैं, जितनी भी बैटरी या होती है स्टोरिंग डिवाइसेस होती है, उनमें सब में डीसी होता है, और एसी क्या होता है हमारे जो ये प्लग्स होते हैं, चार्जिंग प्लग्स, और इनमें सब में एसी होता है। तो किस में कन्वर्ट करती है, डीसी टू एसी। कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज, पोटेशियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा, सिरका, सोडा, बेकिंग पाउडर या पोटाश। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स उसका, पोटाश। अ टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, अब हमें यहाँ पे 295 जो केल्विन टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दूँ, दोनों में रिलेशन क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन इंटू 9/5 माइनस 459.67, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दो, केल्विन की वैल्यू कितनी देके रखी है फ्रेंड्स यहाँ पर, 295 माइनस 459.67। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 531.00। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और माइनस कर देते हैं इसमें 459.67, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, 71.33। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन सी शुरू करते हैं जो मैथ्स का होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 31 सॉल्व करते हैं। विथ अ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर और अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम, ठीक है, टाइम पर पहुंच जाती है, किस एवरेज स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की। इफ इट गोज विद द एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर ये एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो इट इज़ लेट बाय, वो कितनी लेट हो जाती है, 15 मिनट लेट हो जाती है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी, हमें पूरी यात्रा है उसकी दूरी उसने कितनी तय की वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें हमें पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला वो होता है क्या है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हमें स्पीड कितनी दे के रखी है, पहले वाली स्पीड 40 दे के रखी, 40 किलोमीटर पर, और डिस्टेंस हमें पता नहीं, उन्होंने पूछी है, ठीक है, और टाइम यहाँ पे जो भी है टी है, ठीक है, टी वन एज्यूम कर लेते हैं। तो जो टी वन टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन 40। इसी तरह से दूसरी स्पीड हमें कितनी देके रखी हुई है यहाँ पे, 35 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हम टी टू एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी अपॉन 35। अब इन्होंने क्या देखा, टाइम जो डिफरेंस है दोनों टी वन और टी टू में जो डिफरेंस होगा फ्रेंड्स कितना होगा, वो डी अपॉन 35 माइनस डी अपॉन 40। टाइम डिफरेंस कितना देके रखा है इन्होंने, 15 मिनट, कितने लेट हो रही है वो 15 मिनट का डिफरेंस देख रखा है, मिनट में देख रखा है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर्स में, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, आवर्स में, किलोमीटर में पूछा है इसलिए इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 1/4 हुआ, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 8D अपॉन में 56 इज इक्वल टू 1/4, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो जो डी की वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 men डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 6 men कंप्लीट द सेम वर्क। अगर 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वर्क मेन एंड डेज, इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने इक्वल टू लगा दिया, जितना काम करोगे उतने, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना काम होगा, जितने कम आदमी होंगे उतना कम काम होगा, तो ये रिलेशन इसमें होता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या दे के रखा है, 5 men कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, और 6 men उसको कितने दिन में करेंगे, तो डी टू हमें पता नहीं है, ठीक है। जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 6 2 12, 5 2 10, तो डी टू मतलब कि डेज कितना आ गया हमारे पास, 10 डेज, मतलब जो 6 आदमी है उसका हम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा जो मिश्रित संख्या है उसको अनुचित अंश के रूप में आपको लिखना है। तो क्या देके रखिए, 6s2 2s2 5। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और उसको ऐड करना है। तो 5 6 30, 30 और 2 कितना हो जाएंगे, 32/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हुज एरिया इज दिस। उसका एरिया ये देके रखा है और आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो जो एरिया होता है किसका, स्क्वायर गार्डन का, स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और कितना देके रखा है, 5 6 2 5। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 6 2 5 किसका वर्ग होगा फ्रेंड्स, ये इजी मेथड से हम निकाल सकते हैं। पहले हमें देखें कि जो 25 है वो किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका बनता है, वो 5 का बनता है। फिर 56 को देखेंगे, 56 किसका छोटा वर्ग बनता है, जैसे 55 25 होता है, 6 6 36 7 36 होता है, 37 49 होता है, 8 8 64। तो किस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, ये इससे छोटा है, मतलब 7 हम ऊपर वाला एज्यूम कर लेंगे। तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75। अब उन्होंने पैरीमीटर पूछा है, तो पैरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का सम, तो 4a हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 75, जो 4 × 75 करेंगे तो कितना होगा, 300। तो ये हमारा मीटर में आंसर आएगा क्योंकि मीटर में क्वेश्चन देके रखा था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 सोल्व करते हैं। राम बाय न्यूज पेपर 4 rupees 0.5 डेली, मतलब आधा रुपए एक दिन के लिए पे करता है। तो हाउ मच मनी ही विल हैव टू पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनवरी में कितने, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो 31 दिन में से 30 दिन जो रहेंगे, 30 दिन के लिए उसे कितना, 15 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का कितना, आधा, ठीक है। तो 30 दिन का कितना, 15 रुपये हो जाएंगे, और एक दिन एक एक्स्ट्रा बच गया, तो उसमें फिर कितना ऐड कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन ए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, उसके मध्य से आवृत्ति वितरण विचलन के का बीजगणित का जोड़ हमेशा कितना होगा फ्रेंड्स। वैसे तो इसका आंसर फ्रेंड्स 0 होगा, लेकिन कैसे होगा ये हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 3 5 10 15, ये हमारे नंबर से। तो हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड कर लो, 15 + 10 = 25 + 30 + 5 = 35। तो कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 7 मीन आ गया। हम क्या सबका विचलन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, विचलन सभी नंबरों का निकाल, 2 का निकाल लेते हैं तो कितना होगा, 2 - 7 माइनस का 5, 3 - 7 माइनस का 4, 5 - 7 माइनस का 2, 10 - 7 3, 15 - 7 8। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 0, मतलब कि क्या है, मध्य के आवृत्ति वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कैसा आएगा ये हम आपको बता दिया है। सॉल्व द सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम अगर देखें, 2 के जस्ट बाद 3 आ रहा है, ठीक है। 3 के बाद दो नंबर ऐड करने पे 5 आ रहा है, 2 में एक नंबर ऐड करा तो 3 आया, 3 में दो नंबर ऐड करा तो 5 आया, 5 में हमने 2 2 4 ऐड करा तो ये आया, फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे 9 में, 4 2 8 तो 17 आएगा, 8 2 16 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, और 16 2 32 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, और 32 2 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 129 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 129। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई, वेयर वाई इज द मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन वाई। तो किससे दिया जाएगा, गुणांक एक्स और वाई का एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होगा अगर वाई एक्स का गुणांक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई। अब कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। वाई होगा, कैसे होगा, हम एक नंबर ले लेते हैं 2, और 2 का गुणनफल मान लो हमने 18, 2 2 18, ये इसका गुणनफल है। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 2 1 2 2 9 18, 3 3 9 3 1 3, ये हो गया एलसीएम 2 और 8 का, ठीक है। मतलब एक्स और वाई का, एक्स और वाई का एलसीएम निकालेंगे जब, तो कितना होगा, 2 3 6 6 6 3 18, कितना आया फ्रेंड्स आंसर,
ये हमने एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया, तो जो गुणनफल खंड है वाई, जो गुणांक है वाई, वही आया है, तो आंसर हमारा वाई होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाई 3 इज, क्या होगा उनका सम? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सम ऑफ द ऑड इंटीजर क्या है? 2 और 100 के बीच में ऐसे इंटीजर्स ढूंढेंगे जो 3 से डिविजिबल हो। तो पहला तो होगा 3, 3, फिर 9, फिर कितना होगा 15 होगा, 21, और लास्ट में क्या होगा 99। ये हमारी सीरीज बन गई है। कितने का डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड सीरीज में? 3 में कितना ऐड करें? 6, तो 9 आएगा। 9 में कितना 6 ऐड करें तो कितना आएगा? 15। फिर 6 ऐड करें तो कितना? 20। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 6 का 6 6 का आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसमें जो टी एन टर्म होते हैं, टी एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन टर्म हमारी कितनी? लास्ट टर्म, जो लास्ट वाली टर्म होती है उसका फॉर्मूला है ये। तो क्या है वो? 99, जहाँ हमारी सीरीज खत्म हो रही है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? स्टार्टिंग नंबर है 3 प्लस एन माइनस वन। डी की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी देके रखी है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का। चलो इसे सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी निकाली जाएगी? यहाँ से एन की वैल्यू आ रही, सॉल्व करने पाएगी 17। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एन की वैल्यू आपको 17 मिलेगी। लेकिन हमने 17 आंसर आपको गलती से भी नहीं लिखना, 17 इसका आंसर नहीं होगा। उन्होंने पूछा है योग, ना कि नंबर। तो योग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फ्रेंड्स? वो होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं फ्रेंड्स। एन बाई टू, एन बाई टू, एन की वैल्यू 17 बाई टू, 2, ए कितना है 3, प्लस एन की वैल्यू कितनी आई है 17 माइनस वन 16, और डी की वैल्यू कितनी है 6। चलो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, और जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको फाइनली, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? 867। तो आपका आंसर क्या होगा? डी, ना कि बी। If the roots of px square plus qx plus 2 is equal to 0 are reciprocal to each other, मतलब एक दूसरे के वर्गमूल हो, तो आपको क्या रिलेशन बताना है? p का रिलेशन बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो अल्फा बीटा मान लेते हैं हम, और उनमें रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी, माइनस बी मतलब ये ए होता है, ये बी और ये सी होता है। तो माइनस बी मतलब कि कितना? माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। और इन्होंने क्या बोला है कि जो रूट्स हैं, मतलब अल्फा बीटा है, एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा होगा या बीटा इज इक्वल टू 1/, और ये रिलेशन इन्होंने देख रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमें इन्होंने पी में आंसर पूछा है, तो हम क्या करते हैं ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें क्यू आ रहा हमें नहीं चाहिए। तो हमने ले लिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/p। तो जो फ्रेंड्स अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या? 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/p, बीटा से बीटा कैंसिल, और रिलेशन क्या मिला? 2 इज इक्वल टू पी। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क्स, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, अ कैंडिडेट जस्ट पास बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्टली बाय अटेम्पिंग 15 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने इसमें क्या बोला है कि एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका कितना? 40% आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप पास होगे। 40% मार्क्स आपको लाना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो कुल नंबर है, उन्होंने पूछा कि कुल क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? एक्स है, तो हम कितने होंगे वो हमें पता नहीं, तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स का 40% इतने मार्क्स तो आपको एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए। आगे उन्होंने क्या बोला है कि जो एक कैंडिडेट था वो जस्ट पास ही हुआ है, कितने नंबर उसने? 15 में से 10 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब कि 10 क्वेश्चन ये 40% ही होंगे टोटल नंबर के, क्योंकि 40% जो मार्क्स है वो मिनिमम पास होने के लिए चाहिए, और 10 मार्क्स उसको आ ही गए हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परसेंटेज की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 100 होती है, 1/100 इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 4, तो कितने? 25 टोटल क्वेश्चंस थे। आंसर क्या होगा? डी।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हल करो, उसका क्या करना है, पॉइंट पॉइंट में सारी वैल्यू एक साथ अरेंज करना है, नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, पॉइंट एक ही जगह रखना है आपको, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1128, तो कितना 2.822 क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये वैल्यू देके रखी है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, और फाइंड आउट करना है हमको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो गए कैंसिल, ठीक। हमें इसकी वैल्यू देके रखी है क्वेश्चन में कितनी, टू, टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, फोर, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ द टू टेबल एंड थ्री चेयर इज 3,3500 रुपये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि चेयर कितनी है, एक्स, ठीक है, कितनी मानी हमने, एक्स मानी, ठीक है। तो क्या बोला है, दो टेबल और कितनी चेयर बोली है इन्होंने, थ्री चेयर, ने थ्री वाई, इन दोनों की टोटल कॉस्ट दोनों को जोड़ के 3,500 रुपये हो रहा। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि तीन टेबल और दो चेयर, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, 4,000 रुपये। चलो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें टू का और इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टू सा फोर, टू थ्री सा सिक्स वाई, 7,000 आया। थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, थ्री थ्री सा नाइन, थ्री टू सा सिक्स और 12,000। माइनस कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का बचेगा 5x, यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा, 5,000, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। ये तो हमारी एक्स की वैल्यू, एक्स क्या माना था हमने, टेबल, टेबल आ गई। अब चेयर निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, मान लो मैं इसमें पुटअप कर देती हूँ, और भाई की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, 500 रुपीज, ठीक है। अब इन दोनों का सम पूछा उन्होंने कि टोटल कॉस्ट, तो 1,500 कितना होगा, 1,500, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। बिजनेसमैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8%। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, छूट कितना है, डिस्काउंट 10%, तो व्यापारी को अंकित मूल्य मार्क प्राइस को कितना बढ़ा जाए अंकित मूल्य को कि 8% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो कितना है, 8% प्रॉफिट और डिस्काउंट दे के रखा है। और आपसे क्या पूछा है उन्होंने, जो कॉस्ट प्राइस होगी, मार्क प्राइस का परसेंटेज पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन में 100 माइनस स्मॉल आर इंटू 100, और ये होगा परसेंटेज में। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये इस चीज़ का फार्मूला है कि आपकी जो व्यापारी ने जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस होगी उस पर अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए तो हमें प्रॉफिट हो इस डिस्काउंट पर, उसके लिए फॉर्मूला होता है, बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बताने के लिए अंकित मूल्य का, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो आर है, स्मॉल आर है, वो स्मॉल आर वो क्या होगा हमारा, डिस्काउंट, तो वो कितना है 10, और कैपिटल आर हमारा प्रॉफिट होगा, वो 8 है, 100 माइनस 10 इंटू 100, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आया 20। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, कितनी, कितना कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया जाए, ये हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, 20%, डी हमारा आंसर हो। चलिए फ्रेंड्स ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए मैथ्स के, अब हम लॉजिकल रीजनिंग पार्ट पर आते हैं, ठीक है। रीजनिंग का हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस इन जो वर्ड्स दिए हैं इनको अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो सबसे आखिरी से सेकंड लास्ट, मतलब आखिरी में दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, तो फ्रेंड्स इनको जब हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली, सबसे पहले बी वाला वर्ड आएगा तो कौन सा, बोश, उसके बाद सेकंड कौन सा वर्ड होगा, सी से, सी से तीन चार वर्ड है, सी में जो सबसे नियर वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, चेक्ड, क्योंकि एच पहले आता है, ठीक है। उसके बाद होगा क्लियर, उसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टेंटली, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट। जब हमने पहला नंबर चेक करा उसके बाद दूसरा भी चेक करना है, दूसरा क्या, एच आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा और फिर टी आता है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, सेकंड लास्ट कौन सा है, कॉन्स्टेंटली, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चूज द ऑड नंबर,
आपको विषम शब्द चुनना है, लोहार, नाई, दर्जी और बड़ाई। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, नाई होगा। क्यों? क्योंकि लोहार, दर्जी और बड़ाई इन तीनों को काम करने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जरूरत होती है और नाई को नहीं होती, इसलिए नाई अलग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। ए ए के जस्ट बाद बी आया है, ठीक है, बी के बाद एक शब्द छूटा है, फिर डी आया है, फिर कितने दो शब्द छूटेंगे, ई एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो वर्ड होगा वो क्या होगा, जी। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अवेक इज रिटर्न दिस एंड फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो ए डब्ल्यू ए के ई है इसको कैसे लिखा है फ्रेंड्स उन्होंने, जेड वी जेड जे डी। अब देखो ये जो वर्ड है इसके एक रिवर्स शब्द से बना है, जैसे वी डब्ल्यू के पहले वी आता है, ए के पहले जेड, के पहले जे, ई के पहले डी। तो इसी तरह से जो हमारा वर्ड होगा फ्रेंड्स उसमें भी रिवर्स कर दीजिए, एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, आर के पहले क्या आता है, क्यू आएगा, ठीक है, आई के पहले क्या आएगा, एच, डी एम सी। तो ई क्यू एच हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑड वर्ड आपको चूज करना है, रेल, बस, पहिया और नाव। इसमें ऑड क्या होगा फ्रेंड्स, पहिया। क्यों? क्योंकि रेल, बस और नाव तीनों क्या है, व्हीकल्स है, ठीक है, और ये क्या है, व्हीकल्स का पार्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, सी। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा जो जीडी का ओरिजिनल पेपर सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पेपर सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।